हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मणिराज पटेल और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मणिराज चैनल को। दोस्तों, आप लोगों का प्यार जो मिल रहा है मुझे एज अ सब्सक्राइबर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग मुझसे कई सारे सवाल पूछते रहते हैं कि सर इसमें क्या होगा, इस कैनरा बैंक में क्या ये फैसिलिटी है, क्या नहीं है। तो उसी श्रृंखला में आपके लिए एक और स्कीम बैंक की बताने वाला हूँ, जिसका नाम है कैनरा SB पावर प्लस अकाउंट। दोस्तों, ये सेविंग अकाउंट ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग प्रकार का अकाउंट है। ये अकाउंट कोई NRI व्यक्ति भी खुलवा सकता है, या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति जो कि इंडिया में रह रहा है वो भी खुलवा सकता है। है ये सेविंग अकाउंट, इस बात को ध्यान रखिए आप, कोई अलग प्रकार का अकाउंट नहीं है, सेविंग अकाउंट ही। लेकिन इसमें बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, जो कि जनरली पब्लिक को नहीं पता होता है, और ख़ासकर वो लोग जो थोड़ा एलाइट ग्रुप से आते हैं, जिनको मिनिमम बैलेंस या फिर थोड़ा बैलेंस रखने में कोई दिक्कत नहीं है अपने अकाउंट में, उनके लिए कैनरा बैंक ने ये अकाउंट बनाया है। दोस्तों, बात करें तो कैनरा बैंक में ये कोई व्यक्ति इस अकाउंट को कैनरा बैंक में खुलवा सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त है, क्वार्टरली आपको 1 लाख का एवरेज बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। क्वार्टरली मतलब 3 महीने में आपका एवरेज कितना बैलेंस होना चाहिए आपके सेविंग अकाउंट में, 1 लाख रुपये। इस अकाउंट में आपका 1 लाख रुपये मेंटेन होना चाहिए। और बात करें इस सेविंग अकाउंट की क्या खास बात है, तो आप इसको जीरो बैलेंस या जीरो बैलेंस से भी आप इसको खुलवा सकते हैं, लेकिन जैसे आप खुलवाएं वैसे ही आप इसमें अमाउंट डिपॉजिट कर दें। इसमें और क्या आपको फैसिलिटी मिलेगी, तो दोस्तों अगर आपके पास लॉकर है तो आपको पता होगा साल में केवल 12 टाइम से आपको फ्री में लॉकर अवेलेबल होता है ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद 100 रुपीज़ या फिर जो बैंक का चार्ज होता है वो कटता है। लेकिन अगर आपके पास ये अकाउंट है, कैनरा SB पावर प्लस अकाउंट, तो आप प्रीमियर कस्टमर है बैंक के, तो बैंक आप कितनी बार भी लॉकर इतना इस्तेमाल करें, बैंक आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज लॉकर का नहीं लेगा। और बात करें दोस्तों, आप DD अगर बनवाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, तो जनरली बैंक उसमें चार्ज करता है, चाहे आप कस्टमर हो या ना हो। लेकिन अगर आपके पास ये अकाउंट है कैनरा SB पावर प्लस, तो बैंक आपसे DD का भी कोई चार्ज नहीं करेगा। तो और इसके बेनिफिट बताऊं तो जनरली साल में केवल 20 पन्नी की चेकबुक होती है, जो कि फ्री में दी जाती है बैंक की तरफ से अपने कस्टमर को। लेकिन चूंकि आप प्रीमियर कस्टमर हैं, इसलिए आपको 300 पन्ने की चेकबुक, मतलब 300 पन्नों तक की चेकबुक आपको फ्री में दी जाएगी साल भर में। दोस्तों, इसका और फायदा बताऊं तो प्लैटिनम कार्ड, आपने देखिए एक नॉर्मल डेबिट कार्ड सुना होगा, एक होता है बैंक में प्लैटिनम कार्ड। प्लैटिनम कार्ड प्रीमियर कस्टमर, ऐसे जो कस्टमर जो इस प्रकार का अकाउंट खोलते हैं उनको ही दिया जाता है। तो अगर आप ये अकाउंट खोलते हैं तो आपको प्लैटिनम कार्ड डेबिट कार्ड दिया जाएगा, और उसकी फैसिलिटी और उसमें फ़ायदा ये है कि आप 50,000 तक एक दिन में कैश निकाल सकते हैं। और बाकी नॉर्मल डेबिट कार्ड में कितना निकाल सकते हैं बताइए, कमेंट करके बताइएगा आप कितना निकाल सकते हैं। और दोस्तों, जब आपको ये प्लैटिनम कार्ड दिया जाएगा तो उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। और अगर बेनिफिट की बात करूं तो दोस्तों, अगर आपको लॉकर चाहिए, नया लॉकर चाहिए, तो अगर लॉकर का अलॉटमेंट करना है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप प्रीमियर कस्टमर कहलाएंगे। और साथ में जो लॉकर का जो रेंट है उसमें 25% तक आपको कंसेशन मिल जाएगा। और एक बहुत बड़ा दोस्तों यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं, ठीक है, ये अकाउंट खुलवाने के बाद अगर आप हाउसिंग लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग चार्ज आपको पता है 10,000-20,000 तक बैंकों में लग जाते हैं हाउसिंग लोन में, लेकिन आपको यहाँ प्रोसेसिंग चार्ज में 50% की फ्लैट छूट दे दी जाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैनरा SB पावर प्लस के फायदे, आई होप ये फायदे आपको समझ में आए होंगे। और आपको भी अगर ऐसी किसी अकाउंट की तलाश है कि यार मैं पैसे रखने को तैयार हूँ बैंक में, बस बैंक मुझे फैसिलिटी दे, खासकर कैनरा बैंक, तो यही अकाउंट आपके लिए है। नोट कर लीजिए, कैनरा SB पावर प्लस। जब भी बैंक जाए नया खाता खुलवाने के लिए तो आप बैंक को बोलिए कि सर मेरा कैनरा SB पावर प्लस अकाउंट खोलें, क्योंकि मैं इतना बैलेंस मेंटेन कर सकता हूँ। तो चलिए, फिर से मैं आपसे ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो के साथ अगली बार मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।